गाइज, हमेशा आपके मन में रहता है एक सवाल कि यार ऐप में ऐड लिमिट क्यों आता है हमारे एडमोब अकाउंट में। यार मैंने इसके बारे में पहले ही बनाया था वीडियो, बट उसमें मैंने क्लियर आपको समझा नहीं पाया था कि कैसे किस कारणों की वजह से हम लोग का एडमोब अकाउंट में ऐड लिमिट आता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे भी अकाउंट में आया था, बट वो अकाउंट का ऐड लिमिट हट चुका है और मैंने कैसे उसको हटाया, क्या रीज़न था और किस तरह हम लोग ऐप में एक ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका सारा डिस्क्रिप्शन, टेक्निक, मेथड, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने ऐप को, अपने अकाउंट को सिक्योर रखें ताकि कभी भी गूगल आपके अकाउंट को ऐड लिमिट ना मारे, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का वीडियो यार आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलने वाला है। इतना अधिकांश, इतना डिटेल में समझा के बहुत कम मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे ये काम करता है और क्या इसका फंक्शनलिटी है, किस तरह हम लोग को ऐड इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में। प्लस में यहाँ आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, ये हमारा क्लिक टू कोड मोबाइल ऐप है जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। आप सर्च मारिएगा क्लिक टू कोड, आपको वहाँ मिल जाएगा और आप यहाँ इस ऐप से बहुत चीज़ आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या है, ये हमारा जो होम इक्विटी है, ठीक है। जब हम क्लिक करते हैं, या फिर चलिए क्लिक करते हैं हम विंडो OS पर, तो ये देखिए आ गया हमारे पास सेकेंड इक्विटी। फिर क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्विटी, मतलब कि हमारे एक ऐप में तीन इक्विटी डाला हुआ, मतलब थर्ड, सेकेंड और ये होम मतलब फर्स्ट। तो हमको अब इसमें कहाँ कहाँ कौन सी ऐड को यूज करना चाहिए, ये हम लोग समझेंगे इस ऐप के द्वारा। क्योंकि इसलिए मैं आपको इस ऐप के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि यार बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है यार, आपको साथ में समझाना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही यहाँ आपको एक काम ध्यान रखना हमेशा, कि अगर आपके होम स्क्रीन पर 10 से ऊपर कंटेंट है, मतलब कि रिसाइक्लर व्यू का आइटम 10 से ऊपर है, तो आप इसके नीचे बैनर ऐड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 से ऊपर रहेगा आप बैनर ऐड का यूज कर सकते हो। अगर 10 से कम रहेगा तो मेरा सजेशन रहेगा कि यार आप इस सिस्टम पर अपना जो एक्टिविटी है, अपना जो सिस्टम दिया हुआ है यहाँ, आप बैनर ऐड को यूज मत कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं तो पक्का ऐड लिमिट आने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आदमी सीधा चला जाता है उस नेक्स्ट फंक्शनलिटी में। अब जैसे कि हमने होम स्क्रीन में देखा कि यहाँ आप बैनर ऐड यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ एक काम कर सकते हो आप, जैसे ही देखिए, जैसे मैं ऐप को किया क्लोज और जैसे किया रीस्टार्ट, तो जैसे ही हमारा ऐप हो गया स्टार्ट, तो यहाँ आप एक इंस्टेंशियल ऐड को लगा सकते हो, सिर्फ ओनली वन, और कुछ नहीं। बैनर ऐड को नहीं लगाना कुछ चलेगा, लेकिन इंस्टेंशियल ऐड को लगा सकते हो, इससे आपके ऐड लिमिट में नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक सिंगल टाइम आपको यहाँ लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, मतलब कि अपने होम एक्टिविटी में यहाँ पर लगाना है वो इंस्टेंशियल ऐड, जो इसको बोलते हैं फुल स्क्रीन ऐड। अब क्लिक करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड पर। अब ये रहा सेकेंड। अब देखिए यहाँ क्या है कि जब भी कोई यूज़र आपकी आता है विंडो OS पर क्लिक करता है, तो यूज़र को यहाँ पहले वो चेक करता है कि उसके लिए कौन सा सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, यहाँ आप एक बैनर ऐड का यूज कर सकते हो। कहाँ, अगर आपने रिसाइक्लर भी यूज किया है तो बीच में यूज कीजिए, या फिर जो जहाँ यूज करना है आप बैनर ऐड। और बैनर ऐड क्या यूज करना है आपको, स्मार्ट बैनर या फिर मीडियम रेक्टेंगल जो होता है पूरा बड़ा साइज का, वो आपको यूज करना है बैनर ऐड को। मैं आपको यार डेमो नहीं दे रहा हूँ आपको बैनर के लिए, क्योंकि यार डेमो देना थोड़ा सा हमको लगा थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए मैं डेमो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ क्लियरली। यहाँ आप बैनर ऐड को यूज करते हैं, लेकिन एक गलती कभी मत कीजिए कि यहाँ की कि जैसे कोई बंदा यहाँ क्लिक करता है तो यहाँ डायरेक्टली आपको एक इंस्टेंशियल ऐड नहीं चलवाना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ होम स्क्रीन पर एक इंस्टेंशियल ऐड चला चुके हो, तो दोबारा यहाँ आपको चलाना नहीं है, मतलब कि आपको रखना है अल्टरनेटिव, ताकि गूगल और जो एडमोब का जो पॉलिसी है उसको आप वायलेट ना करें। प्लस में जैसे ही हम कोई भी अगर एक कोई भी एक आइटम चूज कर, जैसे कि हमको डाउनलोड करना है विंडो XP प्रो, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने देखिए हमारे सामने ये सिस्टम आ गया। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आप अगर कोई भी ऐड नहीं लगाते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा, क्लिक किया
और देखिए क्लिक करने के पहले यूजर को आपको एक इंस्टेंशियल ऐड दिखाना पड़ेगा ताकि यार आपकी भी रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि ये जो फंक्शनलिटी है ये देखिए यहाँ आ रहा है ऑप्शन, मैं अभी डिफॉल्ट तो सेट नहीं किया कौन से कहाँ खोलना है हमको, इसलिए तीन तीन ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ यूजर को क्लिक करता है तो इन तीनों ऑप्शन में जाने से पहले यूजर को दिखे इंस्टेंशियल ऐड का ऐड दिखे, उसके बाद ही यूजर वहाँ पहुँच सके। तो इस तरह से देखिए जैसे मैं क्लिक किया और यहाँ कोई सेलेक्ट किया ब्राउजर सेलेक्ट किया, उसके देखिए चला गया ब्राउजर पर, ठीक है। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ वापस आता हूँ बैक, जैसे क्लिक करता है यूजर फिर यहाँ आएगा ऑप्शन, और इस तरह से आप यहाँ से ऐड लगा सकते हो बहुत आसान से। लेकिन बहुत लोग के मन में रहता है कि यार कि नेटिव ऐड लगाने के लिए, तो यार नेटिव ऐड और बैनर ऐड में बस डिफरेंस यही है कि नेटिव ऐड के बीच चलता है वीडियो और अधिकांशता बैनर ऐड के, बैनर ऐड के जो रहता है गूगल का उसमें अधिकांश चलता है फोटो, ओनली फोटो या फिर जी आई एफ फाइल चलता है, लेकिन नेटिव ऐड में चलता है वीडियो, इसीलिए नेटिव ऐड को अधिकांश लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन यार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अगर यूज़र को क्लिक करने मन रहेगा ना तो नेटिव रहे या फिर बैनर रहे वो क्लिक कर ही देगा। और जैसे देखिए हम चले गए हैं इसमें थर्ड एक्टिविटी में गए हैं, थर्ड एक्टिविटी में अब बहुत लोग के मन में यह रहता सवाल कि जैसे प्रेस करता है बैक उसके लिए भी चाहिए ऐड, भाई तो सिर्फ ऐड ही चलवाओगे अपने ऐप में तो यूज़र को आप एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो। कभी भी बैक बटन में यूजर मिडिल आपको कभी भी आप अपने ऐप के सेंटर में मिडिल में कहीं भी कोई भी एक्टिविटी में बैक बटन पर ऐड नहीं लगवाना है। अगर लगवाना मन है तो आप फिर फ्रंट में नहीं लगाइएगा, ठीक है। हाँ आप एक काम यह कर सकते हैं कि जैसे ही कि कोई यूजर बैक प्रेस करता है तो यहाँ देखिए जो मेरा ऐप क्लोज कर रहा है तो यहाँ आप इसको एक इंस्टेंशियल, जैसे कि यूजर बैक प्रेस करता है तो वहाँ आप इंस्टेंशियल ऐड को यूज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही छोटी सी वीडियो थी यार कि कैसे हम लोग ऐड लगाते हैं ऐप में, क्योंकि यार अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का ऐड लिमिट आ रहा है यार, उसमें मैं भी शामिल हूँ, भले मेरा हट गया अलग बात है, मेरा ऐड लिमिट हट चुका है क्योंकि मैंने किया क्या था कि मैंने वीडियो जब मेरा ऐड लिमिट आया था तो मैंने उस ऐड को वहाँ से रिमूव कर दिया था, ऐप को कर दिया था अपडेट, उसके बाद मैं 10 दिन तक मैं कोई ऐड ही नहीं डाला था, सब बंद कर दिया, टोटली मैं बंद कर दिया था, क्योंकि यार मेन इंपॉर्टेंट है अपना अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में ऐड लिमिट आता है तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ दिनों के लिए 10 या 15 दिन के लिए आप अपने अकाउंट से ऐड को डिजेबल कर दें या फिर आप अपने ऐप को अपडेट कर दें बिना ऐड का, ताकि आपका अकाउंट फिर आ जाएगा सेफ जोन में। उसके बाद दोबारा आप धीरे 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 एक ही बार सब घुसेट मत देना। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि यार आज ही अकाउंट ओपन करते हैं चल तुरंत पूरा नेटिव ऐड बैनर ऐड इंस्टेंशियल ऐड रिवार्डेड ऐड सब घुसेट देते हैं एक ही ऐप में। यार एक बात मुझे आप बताओ कि आपका अकाउंट न्यू है और न्यू अकाउंट में अगर आप सब चीज़ घुसेड़े हुए तो यार गूगल एडमो पागल नहीं है, वो जानता है कि ये यूजर्स न्यू है और इसको चाहिए तुरंत इंस्टेंट मनी। तो भाई इंस्टेंट मनी में कुछ नहीं होता भाई, इंस्टेंट मनी के चक्कर में रहोगे तो जान लो कि जो भी तुम मनी अर्निंग करोगे अपने अकाउंट में जो भी तरह रहेगा मनी वो भी धरा हुआ रह जाएगा, क्योंकि एक बार अगर ऐड लिमिट लग गया आपके अकाउंट पर ना तो जब तक आपके अकाउंट सेफ जोन में वापस नहीं आएगा आपको और कुछ नहीं अर्निंग होगा, कुछ अर्निंग नहीं होगा, अर्निंग होता ही नहीं है यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार कि थोड़ा सा संभल के रहो यार, धीरे धीरे पैसा कमाओ बेटर रहेगा, एक ही बार कमाने की कोशिश करोगे तो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मेरा फेसबुक का जो अकाउंट था डेवलपर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, गूगल एडमोब का अगर होता है ब्लॉक तो यार इसको हम लोग रीइंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा न्यू आईडी से, बट फेसबुक का ऐसा सिस्टम नहीं है कि यार फेसबुक में हमारा आईडी बहुत से चल रहा है तो उसको हम रीइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन गूगल इसलिए फेसबुक से हम लीव कर दिए हैं। हाँ अभी लॉकडाउन में इंप्रेशन फेसबुक का बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन यार एक बात मैं बता दूँ क्लियरली, गूगल गूगल है, सबका बाप गूगल है, गूगल का अल्टरनेटिव फेसबुक है, एप्लोबिन है, बहुत तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी ऐप प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का अल्टरनेटिव है, लेकिन गूगल से एक टक्कर कोई नहीं ले सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार कि गूगल में देखिए गूगल बहुत हाई और सिक्योर है, जो लोग ऐड करवाते हैं जो कंपनी ऐड करवाती है इस गूगल पर तो उसको प्रॉफिट देने के लिए गूगल बहुत अच्छा से सिक्योरिटी देता है, इसीलिए आपके बार बार ऐप में आता है ऐड लिमिट। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी ऐप न्यू है तो तुरंत उसमें 10-12 ऐड मत लगा दीजिए, अगर आपकी ऐप न्यू है आपने ऐप बनाया और तुरंत अपलोड किया है
तो मैं बोलूँगा कि आप जहाँ तक एक ही बैनर एड सिर्फ यूज करें और कुछ मत यूज करें। धीरे धीरे आपके अकाउंट होगी पुराना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो धीरे धीरे आप उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि धीरे धीरे लगाइएगा इंस्टेंशियल ऐड, धीरे धीरे नेटिव ऐड, धीरे धीरे रिवार्डेड ऐड, तो उस तरह गूगल समझता है कि चलो भाई ये बंदा सही जा रहा है। लेकिन आप यार शुरू में आज अकाउंट ओपन किए और कल ही मालूम पड़ा कि पूरा एक ही ऐप में नेटिव, बैनर, इंस्टेंशियल, रिवार्डेड सब घुसेड़ दिए एक ही बार में। यार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक कुल मिला के 12 एडसेंस अकाउंट को मैं डिजेबल करवा चुका हूँ अभी तक, स्पेशली ऐप का, यूट्यूब का नहीं, ऐप का मैं 12 एडमोब अकाउंट मेरा डिजेबल कर चुका हूँ, क्योंकि सब मेरा आया था एडलिमिट। और यार अगर आपके अकाउंट में एक बार एडलिमिट आ गया तो गयो, लेकिन एक रूल पहले था, लेकिन अब जो रूल आया है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आपके अकाउंट में एडमिट आता है तो आप उस अकाउंट, उस एडमिट को अपने तरफ से डिजेबल या फिर कंट्रोल कर लीजिए, आपका एडमिट हट जाएगा विद इन 15 दिन में या फिर 20 दिन में। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को सिक्योर एंड सेफ कर सकते हो और अपने दम पर अपने ऐप से पैसा धीरे धीरे कमा सकते हो। यार एक ही बार आपको करोड़पति बनने नहीं मिलेगा, यार धीरे धीरे पैसा कमाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार बनोगे सोचोगे भाई कि सीधे करोड़पति बनेंगे तो चक्कर मत रहो, गड्ढा में गिरने वाले हो, कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मैं ये बात आपको आज बता रहा था। तो यही छोटी सी वीडियो थी यार जो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो था वीडियो, ये हमारी एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने लाइफ में झेला, ठीक है, एज ए डेवलपर। अगर आपको आपका अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है हमसे बेटर है तो फिर यार कमेंट में थोड़ा हमको भी दे देना सजेशन, थोड़ा हम भी आपसे सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा काम है सीखना और सिखाना, ठीक है। अगर आप हमसे जूनियर भी हो या फिर छोटे भी हो, कोई दिक्कत नहीं यार, कमेंट करो यार, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ। लेकिन हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, आप लोगों को, बहुत लोग बोलता क्या है कि यार जैसे कि आप लोग में कुछ कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आप हेल्प के नाम पर कुछ नहीं करते हो। तो एक बात बता भाई, कोडिंग जानता है कि कोडिंग बहुत ही भयानक चीज़ है, कोडिंग इतना आसानी से सॉल्व होता नहीं उसका एरर। और यार आप करते क्या हो, अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि कोई लोग पूरा अपना प्रोजेक्ट ही मेरे को सेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इसको एरर को फाइंड कर दो। तो यार जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका एरर सॉल्व कैसे होगा। यार मैं तो फाइंड कर दूँगा, मैं तो सॉल्व करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एटलीस्ट समझा करो, मैं एक अकेला आदमी और आप लोग इतने सारे, किसका किसका मैं प्रॉब्लम का फाइंड करूँगा और किसका किसका पर्सनली प्रोजेक्ट में सॉल्व करूँगा। इसीलिए मैं देखता हूँ कि आप कमेंट करते हो तो यार मैं उस टॉपिक को पिक कर लेता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ आराम से, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन पर्सनली बोलोगे यार तो पर्सनली आपके पास भाई उतना टाइम नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो कि आपको पर्सनली हैंड टू हैंड तुरंत प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ। यार थोड़ा समझा करो यार, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ यार कि फटाफट आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू ट्यूटोरियल में, क्योंकि अब आने वाली है ट्यूटोरियल का टाइम खत्म हो चुका है, अब आने वाली सीरीज का, और सीरीज शुरू हो रहा है अब कल से शुरू होगा स्टोरी ऐप से, और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको डिजाइन करते हैं, टोटली चीज़ आपको सीखने मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो जो लोग वेट कर रहे हैं स्टोरी ऐप के लिए यार, स्टे ट्यून, टुमारो से हो जाएगा स्टार्ट, और कम से कम 10-12 वीडियो रहेगा स्टोरी ऐप का, उसके बाद फिर लाइन में कंटिन्यू हो जाएगा, शायरी ऐप चलेगा, उसके बाद ही मैं बनाऊंगा फिर सेपरेट वीडियो आपके लिए। अभी 2 ट्यूटोरियल कंटिन्यू रहेगा क्योंकि टोटली बन चुका है, अब कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।